जहां गदर 2 रिलीज हुई उसके जस्ट सेम डे पर एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है OMG 2, यानी कि ओ माई गॉड 2। ओ माई गॉड जो पहली वाली आई थी उसमें अक्षय कुमार साहब भी थे, परेश रावल जी भी थे। उसका कॉन्सेप्ट था भगवान को लेकर कुछ। इस बार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अगर इस बार बनाते तो कुछ अलग ही वो कॉन्ट्रोवर्सी का रूप ले लेता और बहुत बड़ी दुविधा उस फिल्म को हो जाती। इसीलिए इस बार इस फिल्म का जो टॉपिक है वो अलग तरह का रखा गया और परेश रावल साहब ने इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया था। सो इसमें पंकज त्रिपाठी जी को नरेशन दिया गया था, अक्षय कुमार साहब और इसके राइटर थे और इसके डायरेक्टर थे, उन तीनों के द्वारा। अक्षय कुमार साहब ने खुद ये बात कही थी पंकज त्रिपाठी को फ़ोन कॉल के माध्यम से कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी है और मुझे बेहद पसंद है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म को करो। इसके बाद जो है पंकज त्रिपाठी जी भी उस फिल्म को करने से ना नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने यह कहा कि अगर अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार इस तरह के विषय पर कोई हानि उत्पन्न नहीं करता और उसको इतना अच्छा लगता है तो वो कौन हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दी। तो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली यौन शिक्षा पर आधारित है और यानी कि इसमें एक बाप होता है, उसका एक नॉर्मल सी फैमिली है, उस फैमिली में एक बच्चा है जो कि लड़का है और वो लड़का एक्चुअली कुछ गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ा जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और उसके माँ बाप को कुछ खरी खोटी सुनाई जाती है, लेकिन उसका पिताजी हैं और उसका बदला लेने के लिए कुछ ऐसे ही अपना कुछ करते हैं। तो इस तरह की पूरी फिल्म है। ये पूरी फिल्म आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आखिरकार ये फिल्म का कॉन्सेप्ट यौन शिक्षा पर आधारित है और इस तरह की फिल्में एक्चुअली जिस तरह से समाज बदल रहा है, यानी कि देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, विचारधारा बदल रही है, उस प्रकार से सारी चीज़ों को बदल कर देखना भी बेहद ज़रूरी है और यौन शिक्षा पर बात होनी चाहिए क्योंकि आपके और हमारे बच्चे, सबके जो बच्चे हैं, वो बड़े होकर कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में ना पड़ें। तो इसलिए उन सबको पहले से ही किसी फिल्मों के माध्यम से हम लोग बताएं, वो सारी चीज़ें एक कन्विंसिंग का माहौल बने तो उसके बाद वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो फिल्म है OMG 2 ये भी हिट रही और 100 करोड़ के आसपास ये फिल्म भी कमा चुकी है। कमाई का पूरा मुझे कलेक्शन का पॉइंट्स मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये फिल्म भी कलेक्शन कर चुकी है। लोग दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म भी हिट है और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सुनामी फिल्म यानी गदर 2 के ही दिन रिलीज़ हुई है और ये याद रखा जाएगा, इतिहास तो बन ही गया है कि भाई गदर 2 जब रिलीज़ हुई थी तो उस दिन OMG 2 भी रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा कारोबार किया और हिट हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि गदर 2 की टिकट्स नहीं मिली थी इसलिए उन्होंने OMG 2 की टिकट ली और उसको पिक्चर को देखा, लोगों का कहना ये भी है। यानी कि अब ये असलियत है या नहीं, लेकिन 100 करोड़ रुपए पैसे कमा लेना यार, ये सब तो खैर कहने वाली बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहते ही रहेंगे, लेकिन हमारा काम है सिर्फ आप तक ये सही बात पहुंचाना कि जो OMG 2 है वो भी हिट हुई है, 100 करोड़ के आसपास फिल्म कमा चुकी है, बेहद ही शानदार फिल्म। अक्षय कुमार साहब इसमें कैमियो रोल में, यानी कि एक छोटा सा पार्ट अदा किया है उसमें उन्होंने और जिस समय वो पंकज त्रिपाठी थोड़ा सा हताश हो जाते हैं उनको फिर ताकत देने के लिए अक्षय कुमार साहब आते हैं और इसमें यामी गौतम है, पंकज त्रिपाठी हैं, बेहद ही शानदार भूमिका, यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही अच्छा प्लॉट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्टिव फिल्म है। तो ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और समाज में एक मिरर की तरह काम करनी चाहिए कि कैसे आप हो और किस तरह से आपको समाज को कैसे दिखाना है या कैसे होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का भी सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था OMG 2 के बारे में दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बड़ा मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले समय में ऐसी तमाम और भी फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ गाथाएं हम लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद, एक बार सब मिलकर बोलिए हे बॉलीवुड।